असलमेकम दोस्तों तो आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ हॉट डॉग्स जो कि कोरिया में बहुत ही फेमस है स्ट्रीट फूड है कि ड्रामा में तो ये दिखता ही दिखता है ज्यादातर कपल्स खाते रहते हो तो इसके लिए ये कुछ इंग्रीडियंट्स चाहिए सॉसेज चीज़ ब्रेड क्रम्स और मैदा तो चलें अभी मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ एक्चुअली मैं नहीं दिखा रही हूँ आज ना ईमन बना रहा है तो अभी ना क्योंकि ये मेरा और ईमन दोनों का चैनल है ना तो इमोन ने इसको ना मिक्स किया है मैदा ज़्यादा पानी पानी नहीं करना है थोड़ा थोड़ा थिक रहना है और फिर मोजरेला चीज़ लेनी है ये मोजरेला चीज़ ना बहुत ही ठंडी है क्योंकि फ्रीज कर दी थी ना लेकिन इसको आराम आराम से काटना है देखो कैसे काटना है पहले इसे हाफ कर देना है क्योंकि हम इसमें ना स्टिक्स इस के अंदर घुसाएंगे तो लंबे लंबे फ्राइज की तरह मोटा मोटा लंबा काटना है तो ऐसे मतलब एक लंबा रेक्टेंगल शेप में काटना है ताकि ये स्टिक में आराम से अंदर चला जाए और ये ना सॉसेज की साइज में काटा है तो सॉसेज भी आप देखना थोड़ी देर में कैसे कटिंग हो रहा है तो ऐसे तीन बना रहा है तो तीन क्यूब्स ऐसे काट लिए एक छोटा पड़ गया तो उसके लिए ना ऐसे एडजस्ट करके और छोटा चिपका दिया तो तीनों सेम साइज़ के हो गए अब ये हमारे है सॉसेज तो इसको क्या करना है बस हाफ काट देना है और हाफ ही हमें चाहिए होगा बाकी हाफ के हम रख देंगे हटा देंगे तो ये देखो अभी ना ये सोसेज हो गया अभी कैसे इसको स्टिक डालनी है ऐसे सेंटर पार्ट से स्लो स्लो तरीके से अंदर डालनी है और बीच बीच से ही निकालना है अगर गलती से साइड से निकला है वापस से प्रोसेस करना फिर ऐसा कर कोशिश करना बीच से निकले और ऐसे चीज डाल देना आधा तो आधा चीज़ और आधा मीट तो ऐसे हमारी स्टिक्स तो रेडी हो गई हैं अभी आगे क्या करना है वो आप प्रोसेस देखना तो ये जो मैदा है ना वो ऐसे प्लेट में डाल दिया है बाद में देखना कैसे लगाएंगे हम और ये जो ब्रेड क्रम्स है वो भी साइड में रख दिए हैं जो बस कम ही सामान है ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा सामानों वाली रेसिपी है बहुत सिंपल सी है और ये ना स्टिक आप ऐसे मतलब आ, कोरिया में तो ऐसे लंबा लम्बा ऐसे करते थे डालते थे लेकिन हमारे पास तो कढ़ाई है ना तो इसे लटा लटा के कर रहे हैं नॉर्मली कोरिया में क्या करते थे गिलास में रखते थे ये सारी चीज़ें तो पहले मैदा लगाया फिर ब्रेड क्रम्स लगाया और अभी क्योंकि कढ़ाई में सही से स्टिक नहीं बैठ रही तो इसलिए चम्मच के थ्रू थोड़ा थोड़ा तेल लगाते रहो और मैदा ही तो है जल्दी पक जाता है और हल्की हल्की आँच में थोड़ा पकाना है और इतना कलर हो कि पता चल जाएगा आँखों में कि ये पक गया है और ज्यादातर ये ना गरम-गरम खाओगे ना तो इतना मज़ा आएगा अभी आपको इमुन खा के भी दिखाएगा कैसा है और और यही थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी मुझे तो ईमोन की रेसिपी बहुत पसंद आई नेक्स्ट टाइम भी इमोन को बोलूँगी कुछ ना कुछ ट्राई करे और मेरे पास भी बहुत सारी कॉरियन रेसिपीज़ है तो आपने पास बहुत सारा ख्याल रखना डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंजॉय ईमन के खाने का पार्ट बाय बाय